करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूँ कलमा या मैं दुआ दूँ, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूँ कलमा या मैं दुआ दूँ, दोनों ही एक खुदा। मैं माफी चाहता हूँ आपको, मेरी वजह से इतना इंसाफ करना पड़ा। आप अपने आप को किस बात की सजा दे रहे हैं? मैं अपने आप को कोई सजा नहीं दे रहा, ये सब कुछ शायद मेरी किस्मत में लिखा है। जब किस्मत में लिखा है तो उससे लड़ना कैसे? जैसी मोहब्बत आप कर रहे हैं, वैसी मोहब्बत अब सिर्फ किताबों और अफसानों में बाकी रह गई है। ऐसी मोहब्बतों को समझने वाले इस दुनिया में नहीं है। मोहब्बत का होना या ना होना हमारे इख्तियार में होता ही क्यों? ये बेख्तियारी शायद मोहब्बत का सबसे बड़ा अलम है। मेरे पास आपके लिए एक पैगाम है। खुदा के लिए यूं दर दर की ठोकरें ना खाएं और वापस अपने घर चले जाएं। ये उनकी आखिरी इल्तिजा है आप। जब किसी की तसल्ली मेरे ये कहने से होती है कि मैं चला गया हूँ, तो उनसे कह दें कि मैं चला गया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी एहसास जुर्म का शिकार हो। आप उनसे कहते हैं नहीं चले। मैं जानती थी कि आपका यही जवाब होगा। शायद इसीलिए आप सबसे अलग हैं। काश हमारी बदनसीबी के सितारों का साया आप पर कभी ना पड़ता। आपको नहीं अंदाजा कि उस दिन स्टेशन पे ही हूँ आपको देखकर हम सब क्या हालत हुई थी। आपसे एक आखिरी दरख्वास्त है, उसको गौर जरूर कीजिए। किसी एक रिश्ते के लिए दुनिया भर के रिश्ते छोड़े तो नहीं जा सकते हैं। सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और वैजन। मैं माफी चाहता हूँ आपको, मेरी वजह से इतना इंसाफ करना पड़ा। आप अपने आप को किस बात की सजा दे रहे हैं? मैं अपने आप को कोई सजा नहीं दे रहा, ये सब कुछ शायद मेरी किस्मत में लिखा है। जब किस्मत में लिखा है तो उससे लड़ना कैसे? जैसी मोहब्बत आप कर रहे हैं, वैसी मोहब्बत अब सिर्फ किताबों और अफसानों में बाकी रह गई है। ऐसी मोहब्बतों को समझने वाले इस दुनिया में नहीं है। मोहब्बत का होना या ना होना हमारे इख्तियार में होता ही क्यों? ये बेख्तियारी शायद मोहब्बत का सबसे बड़ा अलम है। मेरे पास आपके लिए एक पैगाम है। खुदा के लिए यूं दर दर की ठोकरें ना खाएं और वापस अपने घर चले जाएं। ये उनकी आखिरी इल्तिजा है आप। जब किसी की तसल्ली मेरे ये कहने से होती है कि मैं चला गया हूँ,
तुमसे कह दें कि मैं चला गया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी एहसासी जुर्म का शिकार हो। आप उनसे कह दें मैं चला गया। मैं जानती थी कि आपका यही जवाब होगा। शायद इसलिए आप सबसे अलग हैं। काश हमारी बदनसीबी के सितारों का साया आप पर कभी ना पड़ता। आपको नहीं अंदाजा कि उस दिन स्टेशन पर ही हूँ आपको देखकर हम सब क्या हालत हुई थी। आपसे एक आखिरी दरख्वास्त है, उसको गौर जरूर कीजिए। किसी एक रिश्ते के लिए दुनिया भर के रिश्ते छोड़े तो नहीं जा सकते हैं। ये आप ही ने आपको उस सूरत में देने के लिए कहा था जब आप अपने इरादे को बदलने से इनकार करते हैं। अपना ख्याल रखिए। के इरादे और सच्चाई की अजमत पर शक नहीं है, बस इतना कहना था कि मोहब्बत में जिद नहीं होती, जिद तो दुश्मनी की पहचान है। आप वापस घर चले जाएं और ये दुश्मनी खत्म कर दें। ये मेरी आपसे पहली और आखिरी इल्तिजा है। गई तो नहीं? वो लोग बस जाने ही वाले हैं। ये है तो देख लो क्या ना सोचना चाहिए। मुलाकात हुई टीचर क्या निकला? वही जिसकी तवक्का हमने पहले से थी। जो लोग खुद को बर्बाद करने की ठान लेते हैं वो कभी पलट कर नहीं देखते। तुमने समझाने की कोशिश भी नहीं की? सारी कोशिशें नाकाम हो गई। आप ही उन्होंने आपको दे दिया। ये क्या है? आप खुद पढ़। आह को चाहिए एक उम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मेरे महबूब की सूरत में रब देखूं तो क्या समझूं, ये ईमान है बगावत है जुनून है या हकीकत है। मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज मन्नत है। खुदा के रूप में पिनहा मेरे दिल में
अरे ये क्या है? अजीब, आपको दुख पहुंचा मुझे इस तरह देख? नहीं, बहुत खुशी हुई मुझे। मैं तो अब शादियाने बजाने लगी हूँ ना कि हमारा हमाद कुली बनने जा रहा है दोबारा। तुम जाओगे ना तो शुक्राने के नफल अदा करूंगी कि भला सर से टली। अरे बेटा, तुम्हें ये हरगिज ख्याल नहीं आता कि तुम्हारे चाहने वालों का तुम पर कुछ हक है। सर अजी, काश मैं आपको बता सकता कि सच में क्या महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं जिनसे अपने जज्बात का इजहार कर सकूँ। लेकिन लेकिन मैं वापस प्लेटफॉर्म की जिंदगी में जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं आपके पास ऐसे वापस आऊँ जिस तरह एक भाई अपनी बहन से मिलने आता है ना, बिल्कुल वैसे। बाजी, मुझे खुशी खुशी इजाजत दे दें। मैं आपके प्यार को खोना नहीं चाहता। बहुत मुश्किल में डाल दिया है तुमने। मैं नहीं देती इजाजत। नजमा, करना इसने वही है जो इसने ठान ली। बाहू किधर चला गया? ले भी सुनिए, मैं जरा बाहू को देख लूं। है आया मैं। ओ बाहू 212, ओए मैं समझा कि तू मेरा इंतजार कर रहा होगा और तू आराम से बैठा हुआ यार। चल उठ, टांगा तैयार है। कहाँ? और नमाज पढ़ने नहीं जाना मसीते? चाहे तो किसी और सवारी को उठा ले। चाहे लगता है तेरी मन्नत पूरी हो गई है। नहीं खैर, फेल कर दिया उसने। हाजिरी कबूल नहीं। सामने नहीं आया। क्या कहा था तूने कि क्या आजमा रहा होगा, तोल रहा होगा? हाँ कहा तो था। फिर क्या? खेल खत्म? एहसास? उसे बेटा कहते हुए शर्म आ रही है मुझे कि वो स्टेशन पर जाकर एक कुली बन गया। एक एक मामूली मजदूर। आप तो यूं ही गुस्सा हो। खामोश रहो तुम। क्यों उसकी वकालत कर रही हो? सुना नहीं तुमने? रास्ते में बैठकर वो कितना मेरा नाम रोशन कर रहा है। चौक में बैठकर ऐलान कर रहा है कि मैं हूं हमाद रजा, अमजद रजा का बेटा। मुझे मजदूरी दो। मजदूरी? वाह, क्या इज्जत बढ़ाई है तुमने मेरी। डैडी, आखिर वो आप ही का बेटा है, उसको जाकर ले आते हैं। खामोश, अगर किसी ने ये कहा कि हम जाकर उसको ले आते हैं। जब से वो घर छोड़कर गया है, स्टेशन पर कुली बना हुआ है। तुम सब जानते थे लेकिन मुझे नहीं बताया। नहीं डैडी, हमें बिल्कुल। शट अप। बेटा है आखिर आपका? नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा।
और कोई नहीं जाएगा उसे लेने के लिए। That's all. अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जान क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ बेटा, कुछ पता नहीं चलता कि तकदीर है कि क्या है। फूल जैसा बच्चा अनाओं के निर्गे में पिस रहा है। कमिश्नर साहब की अना, मौलवी साहब की अना, हमाद बाबा की खुद अपनी अना और न जाने किस किस की अना। ख्वाहिशों के समुंदर में सारे अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि उसके मुताबिक जिया जाए। ये कोई नहीं चाहता कि मैं किसी के लिए जी लूं, मैं सर नीचा कर लूं, मैं झुक जाऊं। बस झुकाने पर लगे हुए हैं सब और झुकता कोई भी नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। पता नहीं एक अजीब सी चीज मुझे अंदर ही अंदर काटे जा रही। एक बेचैनी, एक अनजाना सा दर्द। आप उसकी वजह से परेशान है ना? पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे किस चीज की सजा मिल रही है। क्या तुम भी मुझे निकट की तरह इस बात का कसूरवार समझती? नहीं आपी, और इसमें निगत का भी कोई कसूर नहीं है। उसकी मोहब्बत ही ऐसी है कि सबको रुला दे, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाए। अगर मैं कैसे बह सकती? नहीं, मैं अपने अब्बा का मान उनका भरम कैसे तोड़ सकती हूँ? वो मर जाएंगे। ऐसे वक्त में जो फर्ज एक बेटी को निभाना चाहिए वो आप निभा रही हैं। आप ही मैं आपकी मुश्किल समझती हूँ। तो मेरी ये काट, ये तकलीफ, ये उलझन कैसी हुआ जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आप ही कहीं आप हमाद? नहीं नहीं, उसका ख्याल भी मेरे लिए गुनाह कबीरा है। लेकिन लेकिन मैं उसको इस तरह से बर्बाद होते हुए भी नहीं देख सकती। आप ही मेरी एक बात मानेंगे क्या? आप एक दफा उससे मिल लीजिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मिल जाएंगे।
जी सिद्दीकी बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा वो आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, मैं अभी बुलवा देता हूँ। जी जी अख्तर सुनो, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे होगा, वो बाउ 212। जी सर उसको बुला के। ठीक है सर। देर कर दी तुमने, तुम्हारे लिए फोन था, मैं खाली कट गया इंतजार कर रहा। बैठो शायद तभी फोन आ, बैठो। फोन मेरे लिए मासा? किसी लड़की का फोन था, शायद घबराहट में कट गया। जी जी जी, मैं हाया बोल रही हूँ। अमाद भाई आप, आपको ये नंबर किसने दिया? मेरा मतलब है सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। आप कल शाम 4 बजे पुरानी हवेली आ सकते हैं? पुरानी हवेली क्यों? खुदारा कोई सवाल ना कीजिएगा, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ हमसाये के घर आकर आपको फोन कर रही हूँ। सब खैरियत है? निघत आपी ने अपने अब्बा से आपका नंबर लेकर दिया है, आप वक्त पर जरूर आ जाइएगा, ये बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज। सब खैरियत है ना? दुआ करें, दुआ करें सब खैरियत हो। करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। आओ मैं बहुत देर कर दी तुम, तुम्हारे लिए फोन था, मैं खाली कट गया इंतजार कर रहा। बैठो शायद तभी फोन आ, बैठो। फोन मेरे लिए मासा? किसी लड़की का फोन था, शायद घबराहट में कट गया। जी 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 ले बा। जी मैं हाया बोल रही हूँ अमाद भाई। आपको ये नंबर किसने दिया? मेरा मतलब है सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। आप कल शाम 4 बजे पुरानी हवेली आ सकते हैं? पुरानी हवेली क्यों? खुदारा कोई सवाल ना कीजिएगा, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ हमसाये के घर आकर आपको फोन कर रही हूँ। सब खैरियत है? निघत आपी ने अपने अब्बा से आपका नंबर लेकर दिया है, आप वक्त पर जरूर आ जाइएगा, ये बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज। लेकिन यार मेरी
चाहिए थे ना। दुआ करें, दुआ करें सब खैरियत हो। पर अपना रहम कर मेरे मालिक, मुझे इतने बड़े इम्तिहान में ना डाल। जो कदम मैं उठाने जा रही हूँ, मुझे इस गुनाह के लिए बख्श देना मेरे मौला। कुछ देर यहीं ठहर जाएंगे। मुझे अपनी किस्मत पर खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा। ये सब कुछ ख्वाब तो नहीं? बहुत बीत गए, मैं निकट से कहती हूँ कि नहीं नहीं, आप कहीं मत जाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या मेरी आखिरी इल्तिजा क्यों नहीं मानते? क्यों अपने घर नहीं लौट जाते आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप तो बहुत बीमार लग रही हैं। मैं आपसे एक वादा लेने आई हूँ, मत दे। आप नहीं जानते उस दिन आपको स्टेशन पर देखकर मेरी क्या हालत हुई थी। मैंने खुद को कितना मलामत किया। सब चीजों की वजह मैं हूँ ना, आपकी नजर मुझ पर पड़ी, वरना ये सब कुछ होता। ऐसा ना कहे मत। आपको देखना तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था, पर आपकी मोहब्बत मेरी बेमानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा। आपकी मोहब्बत ने मुझे मेरे अपने आप से मिलवाया, वरना मैं तो अपने आप को पहचाने बगैर ही इस दुनिया से चला जाता। मुझे कोई गिला नहीं है इस जिंदगी से, इस दुनिया से। सजदा एक खुदा को पढूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत।
करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा है मोहब्बत।